हारिसोव का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, ये भी बोल दिया गया उनको कि आपको 6 महीने तक कोई जो है एनओसी किसी और लीग के लिए नहीं मिलेगी। हारिसोव को आज आपने देखा बॉलिंग करते हुए, 3 ओवरों में उन्होंने 38 रन दिए 12.66 की एवरेज से। कुछ जगहों पे यूँ लग रहा था कि ही इज़ अ मच मोर केपेबल बॉलर देन व्हाट वी सॉ एट डिस्प्ले हेयर टुडे। उनके पास है कैपेसिटी है, वो अच्छे स्पीड से बॉल करते हैं, वो शॉर्ट बॉल भी कर सकते हैं, वो खिंचा हुआ हार्ड लेंथ भी कर सकते हैं, बट इट लुक ही वाज कंसिस्टेंटली बॉलिंग very full lens. What was going on there? I mean, in the arc basically, in the zone. And that's why the batsmen were clearing. Shadab ne unko bade acche aur aasan jo hain wo shots khele. Why is that? Why is he not applying himself? Is he under pressure psychologically? Is he off color jab se wo New Zealand ke tour pe aapke saath the, jab wahan se aaye hain ki wahan se, ya ye jo unke saath ho rahi hai ki unka central contract chala gaya hai, unke upar ban lag gaya hai, kya ye cheeze unke upar itna zehni dabav kar rahe hain ki wo ek jo basic unka jo unke paas skill set maujood hai usko bhi deploy nahi kar pa rahe. Ye dekhen back of the mind ye hurt तो करता आपको किसी भी प्लेयर के साथ अगर ऐसा होगा तो वो सोचेगा जरूर कि यार मे बी आई एम हार्ड डन, क्योंकि समटाइम एज ए प्लेयर आप अपनी गलती को अगर ना माने या आपको उसको रियलाइज़ होने में थोड़ा लेट हो जाए तो वो आपको ऐसे डिसीजंस आपको तंग करते हैं, हर्ट करते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर मैं अगर देखूँ तो ही इज़ नॉट बॉलिंग वेल, ही इज़ नॉट हिटिंग द राइट एरियाज, जिसकी वजह से पिछले दो सीरीज, लाइक एक सीरीज अगर हम न्यूजीलैंड की तरफ चले जाएँ, पूरा वर्ल्ड कप इन्होंने स्ट्रगल किया, बिग बैश में फॉलो नहीं कर सका कि इनका कैसा गया, लेकिन वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड सीरीज़ फॉर पाकिस्तान और यहाँ पे जो आज की बॉलिंग है, ही इज़ नॉट द हारिस रऊफ वी नो, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि ही रियलाइज हिमसेल्फ एंड व्हाट आई नो अबाउट हिम दैट ही इज़ अ फाइटर, देयर इज़ नो डाउट। इनको ज़रूर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाना पड़ेगा, रेड बॉल से दूरी आपको क्रिकेट से दूर कर देगी, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स या फाउंडेशन के साथ अटैच नहीं रहेंगे, क्योंकि बेसिक्स ऑफ द गेम बिलोंग्स टू रेड बॉल क्रिकेट। मैं ये नहीं कहता कि T20 क्रिकेट आपको नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन द मोर यू प्ले रेड बॉल क्रिकेट यू गेट योर फाउंडेशंस राइट, यू गेट योर बेसिक्स राइट, तो आपकी लाइन एंड लेंथ ठीक होती है, आपकी राइट टेक्निक आपको हमेशा आपके पास रहती है। आई थिंक मेनी ऑफ द गाइज फ्रॉम पाकिस्तान मिसिंग दैट पार्ट। दूसरा हफीज, एक टैग पता नहीं क्यों लगा, हालांकि मैंने हारिस रऊफ को जब उस टाइम भी हम थे रेड बॉल के स्क्वाड में भी जब भी वो आया, बहुत ज़बरदस्त नया बॉल करता है जब वो उसको अगर वो करता है और अच्छा आउट स्विंग होता है, इवन वाइड बॉल में भी जब नया बॉल करता है, लेकिन क्यों उसको कॉन्फिडेंस नहीं और ना वो कर नहीं रहा, करे तो मैं समझता हूँ ब्रांड न्यू बॉल से वो बहुत इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, मैं ये आपने कहा कि उनको जाके खेलना पड़ेगा, उनको नहीं बहुत से प्लेयर, बहुत सारे प्लेयरों को, बट अगेन लेट मी जस्ट गेट टू द क्लक्स ऑफ द मैटर, बिकॉज वसीम हैज ओवर द इयर्स दैट वी हैव डन द पेविलियन नाउ, जो चौथा एडिशन है हमारा जो हम कर रहे हैं, हमेशा वसीम ने इस बात के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया है कि जब तक कि आप अपनी बेसिक्स को सही नहीं करेंगे, जब तक कि आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे, रेड बॉल नहीं खेलेंगे, लंबी गेम नहीं खेलेंगे, तो आप T20 में भी एक्सपोज होते रहेंगे। नाउ हारिस ने बीच में अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया, मैं रेड बॉल नहीं खेलूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, व्हाई आर दीस कंडीशंस कमिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड, व्हाट डज ही वांट टू अचीव? देखिए ये बात आई थिंक कि बहुत बहुत लंबी भी हो सकती है अगर आप बात करें, लेकिन अगर मैं कट शॉर्ट बात करूँ तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने हासिल क्या करना है, आप किस तरीके से अपनी लेगेसी छोड़ के इस खेल से अलहदा होना चाहते हैं, या खेलते हुए भी आप अचीव क्या करना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल के अंदर कौन से खूबसूरत स्टैट्स आपके साथ हों जो आप लोगों को दिखा सकें, वसीम भाई या जो इनका ही रहा है या जो हम लोगों ने जो हमने देखा है कि जो ग्रेट्स ऑफ द गेम है वो रेड बॉल क्रिकेट से डेवलप हुए हैं। ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली अभी जो एक डेवलपमेंट होगी है पूरी दुनिया में, एंड इट्स अ चैलेंज नॉट फॉर पाकिस्तान, दैट्स अ चैलेंज फॉर एवरी ऑल कंट्रीज, कि कैसे रेड बॉल क्रिकेट को प्रायोरिटाइज किया जाए, कैसे उसमें इतना ज़्यादा लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ ताकि प्लेयर वो खेलें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट इन ओनली इन पाकिस्तान, even I was in Australia and New Zealand, people are more interested to play T20 league. Yeah, the shorter. और जब आप practice 4 over की करेंगे, कब तक 4 over आप करते रहेंगे? कहीं ना कहीं आप फिर 2 over के bowler रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक issue है जिसको address करने की ज़रूरत है। I know, and that's why Vaseem keeps saying कि आप 15-20 over के bowler बने ताकि आपको 4 over महसूस भी ना हो ना कि आप लोग क्या है यहाँ पर। सिर्फ fitness की बात नहीं है। देखें, the more you bowl, आप एक्सपीरियंस लेते हैं, आपका कंट्रोल बढ़ता है, एक बॉल मैंने इन स्विंग करनी है, लेंथ बॉल मैं सिर्फ 4 over में वो 4 ball या 6 ball करूंगा, क्योंकि आई हैव टू वेरी द लेंथ इन T20 क्रिकेट। 4 day क्रिकेट में वो जो स्टॉक बॉल है, बैक ऑफ लेंथ, टॉप ऑफ ऑफ स्टंप या मिडिल स्टंप, वो आपको सारा दिन करना है। एक फास्ट बॉलर को अगर 17-18 over या 20 over करने हैं तो कम अज़ कम
15 से 16 ओवर उसमें से वहां पे होंगे तभी उसको कंट्रोल आएगा ना, तो वो फिर जब कोई भी उसको एग्जीक्यूट करना होगा स्किल तो वो इतना पक्का हो चुका होगा, बॉलिंग एंड्योरेंस मसल आपके डेवलप हुए हुए हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिसबा जो जो वसीम भाई ने बात की कि अगर चार साल आपने बात की कि वसीम भाई ने पिछले चार सीजन में जो पवेलियन के ये बात बार बार दोहराई है तो जो उन्होंने गल नहीं मनी तो मेरी कड़ी किसी ने मान ली।